अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमने फैसला किया है कि हम घूमने फिरने जाएंगे और देखेंगे क्लेयर कैसल, जो बरी सेंट एडमंड्स के पास है और बेसिकली सफ़क में आता है। एंड इट्स रियली हिस्टोरिक एंड नाइस प्लेस, जिसके अंदर काफ़ी कुछ हिस्ट्री देखने को मिलेगी। आज हमने कुछ दोस्तों को बुलाया अपने साथ, उनके साथ जाएंगे, आपका भी इंट्रोडक्शन के साथ कराएंगे। सो उनका इंतज़ार किया जा रहा है फिलहाल, मेरे ख्याल में उनको पिक करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तो हमने मेरे ख्याल में उनको देर से बताया था, सो प्रॉब्ली इसलिए थोड़े से लेट हुए हैं, लेकिन होपफुली अगले कोई 5 मिनट में आते ही होंगे एंड देन विल स्टार्ट आवर जर्नी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम। सो फाइनली हमने खुश आमदीद कर दी अपने दोस्तों को, जो कि मोस्ट वेलकम। आज बड़ा प्यारा मौसम है वैसे, बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। सो तारुफ कराते हैं, फहद हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और होते हैं यूके में, और मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट जो चाहे लगा देते हैं साथ में, इमर्जिंग मार्केटर जबरदस्त। और इकरा आई हुई है साथ हमारे, एंड शी इज ऑल्सो अ फैमिली फ्रेंड, और फहद से कोई रिश्ता नहीं है इनका। ओके, सो आर वी गाइज रेडी? सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। तो हम यहाँ आ चुके हैं और हम में से कुछ लोग अफसोस कर रहे हैं कि हमने जैकेट्स क्यों नहीं लाई। फहद भाई, आपको कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हुआ है। थोड़ी सी हिस्ट्री, 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, और बेसिकली ब्रिटिश तारीख जो है हिस्ट्री, ये अपनी हिस्ट्री को वैसे तो क्राइस्ट से पहले से लेकर आते हैं, लेकिन 1066 के बाद मेन जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है, जो साउथ से हुआ था फ्रांस की जगह से, वहाँ से ये अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। इस कैसल को 1090 में बनाया गया, और जब विलियम द कॉन्करर 1066 में यहाँ पर आया था, तो उसने अपने कज़न के नाम ये सारी ज़मीनें की थी। तो उसके बाद उसके कज़न ने यहाँ पर एक कैसल तामीर किया, और यहाँ से अब आप देख सकते हैं हाइट। सो ये कैसल इस माउंट के टॉप पे बनाया गया था। अब आपको ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन उस टाइम पे बहुत शायाना शान एक बहुत बड़ा कैसल बनाया गया था। विलियम द कॉन्करर के कज़न ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैसल तामीर किया, और उसके बाद वो उसके बेटे और फिर पोते तक गया। पोते के बाद कोई और बेटा नहीं था, तो उसकी बेटी के थ्रू कैसल ट्रांसफ़र हुआ एक और फैमिली की तरफ। उस फैमिली का नाम था डिवेयर फैमिली, और डिवेयर फैमिली ऑक्सफोर्ड के एयरल्स में आती थी, और बहुत अमीर और बहुत खाती पीती फैमिली थी। उन्होंने यहाँ बहुत खर्चा किया और उसको मज़ीद अच्छी कंडीशन में तब्दील किया। ये कैसल डिवेयर फैमिली के पास है काफ़ी अरसे तक रहा। 1460 के आसपास वॉर ऑफ रोजेज हुई थी, जिसको ब्रिटिश तारीख में एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। उस वॉर के दौरान इस कैसल पर कब्ज़ा हुआ, और इसकी काफ़ी हद तक दीवारों को नुकसान पहुंचा। बाद में ये कैसल दोबारा से डिवेयर फैमिली को रिटर्न कर दिया गया। एटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स अनफॉर्चुनेटली इस कैसल में काफ़ी हद तक इमारत को नुकसान पहुंच चुका था, और इस कैसल की ज़्यादातर दीवारें गिर चुकी थीं। उस दौरान डिवेयर फैमिली से ये किसी और फैमिली के पास गया, और अब बेसिकली नेशनल ट्रस्ट का हिस्सा है। राइट, सो बहुत बुरे हालात हो चुके हैं ये। अच्छा, इतना भी बुरा हाल नहीं होना चाहिए वैसे। और अब इस कैसल का सिर्फ यही हिस्सा और ये दीवार बाकी है। इस कैसल को ये भी एजाज़ हासिल है कि क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट हैज़ कम हियर ट्वाइस इन हर लाइफ टाइम, और उसे दो दफ़ा होस्ट किया यहाँ के मालिक ने।
ओके जी, अब सब तैयार हो रहे हैं अपनी अपनी फोटोग्राफी के लिए। मेरे बाल ना देखिएगा क्योंकि बहुत बुरे हालात हुए हैं। ओके, नहीं आप अपनी तरफ किया हुआ है आपने। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। मैं बताती हूँ, let me direct it for you. Right. So the shot should be from behind. Okay. Right. My God, यार ये तो हॉलीवुड, ये तो हॉलीवुड सीन डायरेक्शन होने वाली है अभी। Hey, let's do it. आपको दिखाते हैं अभी। ओके चलो भाई, लेट्स गो। एक्शन। इस वक्त टाउन बेल बज रही है और हवा इतनी तेज है कि बालों का बुरा असर हो चुका है। नीचे वाटर पंप आप देख सकते हैं जो इनका ट्रेडिशनल अब तक कायम है। My wife is on vacation and I am her employee. देखें बात ये है कि सारी पिक्चर्स ये वाली आने वाली हैं। अब वन टू थ्री हुआ है। ओह वाव, दिस इज स्टनिंग। खवातीन हज़रात, ये क्या चल रहा है? ये फोटोग्राफी के लेसन चल रहे हैं, ऐसे होती है फोटोग्राफी। मुझे I don't know क्या चलता है। मैंने कल की न्यूज़ नहीं देखी सर, मुझे ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए हैं यूके आए। दस महीने आपके हो चुके हैं और दस महीनों में कैसा लगा यूके? सर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है थोड़ा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट था, स्पेशली कमिंग फ्रॉम लाहौर, तो वो थोड़ा एक्टिव और लाइफस्टाइल और नाइट लाइफ उसकी डिफरेंट थी। यहाँ पे आके थोड़ा सा आप रूटीन कह लें, यूके का लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत मुझे बोरिंग इनिशियली लगा था कि बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन विद टाइम आई थिंक कि बंदा यूज टू हो जाता है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एडजस्ट हो गया। लेकिन यूजली पाकिस्तान में इस तरह लाहौर में बेसिकली होता है कि आपने रात 12-1-2 बजे कभी भी कहीं जाना है, यू कैन ईजिली गो आउट। बट हियर द थिंग वाज कि जब हम लोग आए देखा तो हर चीज़ 10 बजे बंद हो जाती है और सारा कुछ इसी तरह होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगा था स्टार्ट में, बट आई थिंक फिर विद टाइम वी गॉट इन्वॉल्व विद डिफरेंट फैमिलीज और उनसे दोस्ती हुई, फैमिली फ्रेंड्स बने, तो फिर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई और बंदा थोड़ा बिजी होने लगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लाहौर से हैं ना? जी जी। अब यार लाहौर तो बड़ा एक जिसको कहते हैं दिलदार और जानदार किस्म का शहर है, वहाँ से आप यहाँ आए हैं और उसके बाद फीके खाने और ठंडी रातें और ठंडी ठंडे दिन, तो ये आपको कैसा, ये अपोजिट नहीं लग रहा ये कुछ चेंज? बहुत डिफ़िकल्ट था ये सब ट्रांजिशन करना, और मैं आते साथ जब मैंने पहली चीज़ देखी तो यहाँ का फूड और सारा कुछ बहुत डिफरेंट था। तो द इनिशियल थिंग विच वी वर ट्राई टू फाउंड आउट वॉज कि हम लोग ने देसी खाने ढूंढे, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम कैम्ब्रिज में रहते हैं वहाँ पे कोई देसी रेस्टोरेंट था नहीं। बेसिक डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में भी कि लाहौर वर्सेज इस्लामाबाद, तो कैम्ब्रिज इज़ मोर लाइक इस्लामाबाद कह लें, और लाहौर शायद को थोड़ा सा हम कंपेरिजन कर सकते हैं, थोड़ा उनकी लाइफ ऐसी है वहाँ पर। रेनबो नज़र आ रही होगी आप लोगों को। फहद को अपने वीलॉग्स में लेना शुरू कर दिया ना, तो जल्दी आपका वीलॉग कॉमेडी नाइट्स विद फहद बन जाएगा। इस रेनबो को आप देख रहे होंगे पीछे, और बारिश का इस वक्त सीन ऑन हो चुका है, तो इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए यहाँ से हम निकलने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। सिर्फ फिर के बाल मुझे के लग गए, बस वो दिखाना ही नहीं है मैंने। रेडी चले। वन, मेरा सबसे बड़ा मुंह है। ओके गुड, चलो ना बाल उठाओ। रेडी? यस।
मैं अगर लगाऊंगी फेसबुक पे फिर आप कहोगे बहुत मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। ओके वेरी गुड। अजीब सी आवाज आ रही है यहाँ ऊपर से और अब बंद हो गई है जी। मुझे छोड़ के चले गए सारे। तो आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत खूबसूरत रेनबो और ये टब्बर आगे वॉक कर रहा है और हमने डिटोर ले लिया और नवीन ने कहा एडवेंचर करते हैं बारिश में, थोड़ा सा ना साइड पे निकलते हैं। तो जनाब ये मुझे डूम्स डे लग रहा है। ये भी कोई वॉक है, पार्क करके मैंने देखा ही नहीं था वहाँ पे कैसे करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मुझे अब जाके याद आ रहा है कि गाड़ी मैंने पार्क की थी और उसके बाद उसकी टिकट की पेमेंट करना भूल गया हूँ। सो अल्लाह खैर करे, होपफुली देयर इज नो टिकट। यार देखें ये फहद भाई के लिए मैंने एक खसूसी गाना चूज किया हुआ है और ये आप सुन रहे हैं इस वक्त। ये ले लीजिए आप सुनाए। बेल्स बज रही हैं इस वक्त, शाम हो चुकी है और वी आर बैक इन कैम्ब्रिज। यहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। हाँ नहीं वो आप कुछ और कह रहे थे जरा, वो ये कह रहा था कि गुलाबी जैसे गुलाबी चाय या कोई ऐसी चीज़ हो पीने के लिए। तो गुलाबी चाय को आपके यहाँ बियर कहते हैं? नहीं नहीं यखनी वगैरह की बात कर रहा था मैं तो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मेरे अबू बरज़ख में हिल जाएंगे बातें सुन के, इंशाल्लाह जन्नत में सब मिलेगा। वेरी गुड। सो जनाब हम पहुँच चुके हैं कैम्ब्रिज। जनरल बाजवा के बाद ना अब डर लगता है कोई भी आबाद वीडियो में करने में। नहीं बाजवा साहब इधर ही कहीं आपको मिलेंगे, यहीं पे कहीं सड़कों में देखें वहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं मुझे तो। हाँ जी वो हर जगह है जी। तो हम जनाब कैम्ब्रिज की गलियों में आ चुके हैं इस वक्त और हमारा प्लान है कि हम क्या करने वाले हैं। अभी हम पोपाइज जा रहे हैं, हम खाना खाएंगे जी बिकॉज वी राइट। ओके सो यहाँ के KFC चलेंगे और यहाँ का KFC हम पहले भी खा चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है उसका। आप आ चुके हैं पहले? जी मैं KFC खा चुका हूँ, मैं हर फास्ट फूड खा चुका हूँ कैम्ब्रिज का जो कि हलाल है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये वाइब आ रही है जी बकायदा। ये गवर्नमेंट बिक गई है जी, जबरदस्त। ओके KFC भी ऐसा ही होता है। राइट जनाब, सो पापा इसके बाहर लाइन में खड़े हैं और ये दिन भी देखना साजिश देखी हमने भेज दिया। वेरी गुड। तो हमने बंदा भेज दिया जनाब। बाहर चलो मैं पाकिस्तान से वापस आऊँ ना, मैं आपको घर में बीफ बर्गर्स बना के खिलाऊंगा। बीफ बर्गर्स कोविड में ना वो पैटीज फ्रोज करके ना फ्रोजन और वो हमें भेज देते थे, हम लोग घर में उसको ग्रिल करते थे। अच्छा फहद यार हमें अपना जरा कैम्ब्रिज में शीशा स्पॉट्स तो बताया ना कहाँ कहाँ। सर कैम्ब्रिज में बेसिकली 3 शीशा स्पॉट्स हैं, एक लैड्स है, एक रोताना है, बल्कि 4 हैं। एक लैड्स है, एक रोताना है, एक कांजमान है और एक रेवोल्यूशन है एंड मीना स्टेक हाउस एज वेल। सॉरी 5 हैं ठीक है। और आपकी बैटरी लो हो गई है? नहीं बैटरी चल रही है वो। सॉरी वो चल रही है। आई स्टार्ट फ्रॉम आई स्टार्ट अगेन। द बेस्ट फ्लेवर इन ऑल ऑफ दिस इज नाइट स्प्रिट्ज़। नाइट स्प्रिट्ज़ का फ्लेवर सबसे अच्छा है।
paid promotion. Yes, and second number पे Starbucks and third number पे Al Fakhr का favorite अच्छे होते हैं. You just have to take Knightsbridge because it's the best. Absolutely. Yeah. Right. और Bravo Pastry पे भी मिलता था शीशा, लेकिन उन्होंने अब उसको discontinue कर दिया. इसके बाद हम जाएंगे घर और वो देखो फॉर्मल हो रहा है. यहाँ से निकलने की करते हैं. सो वापसी होती है यहाँ से पोपाइस से और अब घर का रास्ता नापते हैं. ऑलराइट, अब हम क्या कर रहे हैं जी? हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि कैफे नीरो आए हुए हैं और यहाँ से हम कॉफ़ी ले रहे हैं. हमने एक साजिश शुरू की है, कूपन कोड्स होते हैं बेसिकली. अगर आपके पास 3 किस्म है तो 3 प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए और इस तरह के कोड्स मिलेंगे आपको, जिसमें आप £1 में कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं कैफे नीरो से. सो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. मैं यहाँ से आपसे शुक्रिया कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम जा चुके होंगे तो अंधेरा हो चुका होगा. हम आपसे ये काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि रेनबो काफ़ी तेज़ हो चुका है. इस खूबसूरत मंजर और रेनबो के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही है और उसकी फुहार हो रही है. आपसे शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. इस तरह की एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे. तब तक बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कॉमेंट ज़रूर दीजिएगा. तो बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.